अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या रेकी हीलिंग से मोटापा को कम किया जा सकता है या फिर ओबेसिटी ठीक हो सकती है। मैं कहता हूँ हाँ, ये ठीक हो सकती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कह रहा हूँ। सो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वजन कम करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, हॉलिस्टिक बना सकते हैं। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर, हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ। मैं पिछले 21 सालों से रेकी एंड माइंड पावर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 11 सालों से पूरी दुनिया में ऑनलाइन रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, जिसमें मुझे ये पता चला कि लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स तो हील होते ही हैं, लेकिन साथ में हीलिंग करते करते कई दिनों में और कई बार महीनों में उनका वजन नॉर्मल, एक हेल्दी नॉर्मल वेट में आ जाता है और फिर वो बेटर फील करने लगते हैं, बैलेंस फील करने लगते हैं। सो ये मोटापा डेफिनेटली कम हो सकता है और इसमें आप आसानी से उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोटापा या ओबेसिटी क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से होता है। जब आप गलत आहार खाने लगते हो तो वो जब डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से तो वो फैट में कन्वर्ट होता है और आपको दिक्कत देता है। और वो खाना आपका घर का नॉर्मल खाना हो सकता है, लेकिन उसमें फूड कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है। ओके? और ये फूड कॉम्बिनेशन का जो रॉन्ग इनटेक है उससे जो वजन बढ़ता है, ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि हम तो घर का खाना खा रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वजन बढ़ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे फूड कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोटीन ले रहे हैं, ओके, कोई दाल ले रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो प्रोटीन साथ में आप अगर उसके साथ में कोई स्टार्च ले लेते हैं तो स्टार्च वाला फूड और प्रोटीन वाला फूड दोनों ही कंबाइन होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूजन होता है कि किसे कैसे डाइजेस्ट करें, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग केमिकल की जरूरत होती है जो उसे डाइजेस्ट कर सके। और एक बार में एक केमिकल या एक टाइप का एंजाइम ही सीक्रेट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोनों एक साथ खाने से वो कंफ्यूजन में हो जाता है और इससे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। और ऑफकोर्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फैट में कन्वर्ट होकर आपका मोटापा बढ़ाता है, और ये कई दिनों में, महीनों में, सालों में होता है। दूसरी तरफ कोई फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, जंक फूड ज़्यादा खाता है, तो ऑफकोर्स उससे भी वजन बढ़ता है, क्योंकि वो डाइजेस्टेबल होता ही नहीं है। और वो अनडाइजेस्टेड फूड जो सड़ जाता है उससे आपको बीमारियां पैदा होती है और एक्स्ट्रा फैट्स उससे बनने लगते हैं। तो ऑफकोर्स खाने की जो गलत नियम है, गलत हैबिट है, उसे आपको देखना चाहिए, उसे आपको छोड़ना चाहिए। प्लस इसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की इम्बैलेंस होने से यहाँ पे जो चक्र होता है, विशुद्ध चक्र, वो जब बैलेंस नहीं होता तो हाइपोथायरॉइडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है और इससे वजन बढ़ता है। तो डेफिनेटली इसको बैलेंस करना जरूरी है, जो रेकी एंड माइंड पावर से बैलेंस हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए डेफिनेटली मणिपुर चक्र की हीलिंग होती है, वो मैं सिखाता हूँ, और उसको भी आसानी से आप बैलेंस कर सकते हैं। देन सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इमोशनल फूड हैबिट होता है, मतलब इमोशनली ईटिंग करते हैं। जब कोई इंसान को कोई इग्नोर करने लगता है, कोई इंसान अपने आप को प्यार नहीं कर पाता, सेल्फ लव में नहीं होता, तो दिक्कत होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि कई सारी लेडीज़ जो माँ बन जाते हैं, एक साल, दो साल, ढाई साल, तीन साल के बच्चे होते हैं, तो अमूमन देखा गया है कि डिलीवरी के बाद उनका वजन बढ़ जाता है, जो बाद में जाके आप उसे मेंटेन करो या कम करो तो आप कर सकते हो। लेकिन कई बार एक बार वजन बढ़ने के बाद उसे हम कम नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे लेडीज़ जो होते हैं वो अपने घर के काम में, बच्चों को संभालने में ज्यादा बिजी हो जाते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता, बाहर नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अपने ऊपर अलग से टाइम नहीं दे सकते, तो वो केयरलेसनेस की वजह से, एक्स्ट्रा काम करने की वजह से, जिम्मेदारी की वजह से वजन बढ़ता ही रहता है और फिर इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। फिर आप अपने आप को इग्नोर्ड पाते हो, आपको कोई प्यार नहीं करता ऐसा फील होने लगता है, और फिर आप केयरलेस बन जाते हैं कि कोई प्यार ही नहीं करता, देखता ही नहीं, तो क्या करें, इसीलिए आपका वजन बढ़ने ही लगता है। तो ये काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम भी है, इसीलिए स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करके जो नाभि के नीचे होता है उसे ठीक किया जा सकता है। सो उसके लिए कुछ नहीं है, रेकी से हम उस पर्टिकुलर जगह पे हाथ रख के कंटिन्यूसली टच करके हीलिंग करते हैं। प्लस माइंड पावर टेक्निक जो मैं अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली सिखाता हूँ, कई सारे टेक्निक्स होते हैं, दिन भर में उसे हम प्रैक्टिस करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, घर में या बाहर में, और जब हम उन सारी चीजों को एक साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा माइंड
बैलेंस होता है, चक्र बैलेंस होते हैं, अंदर का सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगता है और उससे हमारा वजन मेंटेन होता है, कम होता है, हेल्दी बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, पिछले 15 सालों से मैंने अपने वजन को 65 kg पर मेंटेन कर रखा है और ये मैं बिना किसी जिम के, बिना किसी स्पेशल डाइट के कर रहा हूँ। घर का नॉर्मल खाना खाता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन मैं होलिस्टिकली सोचता हूँ और इससे मैं अपने इमोशन को, अपने माइंड को पूरी तरह से बैलेंस करता हूँ। सो मैं फिजिकली भी ऑटोमेटिकली हेल्दी बन जाता हूँ। तो क्या रेकी एंड माइंड पावर से किसी और का भी वजन कम हुआ है? मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इस वीडियो को देखिएगा, जिसमें विनायक ये कह रहे हैं कि उनका वजन 20 किलो के करीब सिर्फ और सिर्फ रेकी एंड माइंड पावर से कम हुआ है और वो आज बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इसी पर्टिकुलर सिस्टम में कई सारे और प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है और आज वो रेकी मास्टर बनके दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर बनके दूसरों को भी हीलिंग सिखा रहे हैं। सो विनायक को सुनिए, फिर मैं आपको आगे बात करता हूं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विनायक है और मैं एक रेकी मास्टर हूं। मैंने डॉक्टर पूरण शर्मा सर के गाइडेंस में रेकी एंड माइंड पावर प्रोग्राम पूरा किया हुआ है, जिसमें मुझे कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। पहले मेरा वेट 97 kg था, जो 3 महीने के अंदर में ही मुझे 76 kg, ऐसा अमेजिंग रिजल्ट्स मिला है। ये हमें हर फील्ड में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि रेकी एक ऐसी विद्या है जो हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई हुई है, लेकिन इसके लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, साथ में अच्छा मार्गदर्शक भी हमें बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर पूरण शर्मा सर एक अच्छे मार्गदर्शक है और मैंने अपने कर्मों के द्वारा ये सिद्ध किया है कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो आपने सुना विनायक ने क्या कहा कि उनका वजन करीब करीब 20 किलो वजन इसी पर्टिकुलर रेकी एंड माइंड पावर से कम हुआ है और आज वो पूरी तरह से हेल्दी हैं। बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स से भी वो निकले हैं और उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स खुद ठीक किया है रेकी एंड माइंड पावर से। अगर आपको भी सीखना है रेकी एंड माइंड पावर मुझसे और जानना है कि मैं कैसे सिखाता हूं, तो आपको मैं मौका देता हूं, आने वाले मंडे को एक लाइव वर्कशॉप कर रहा हूं एनर्जी एंड माइंड पावर पे, और इसमें मैं आपकी कोई खास प्रॉब्लम ठीक करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव। तो ये कैसे होगा, आप क्या सीखेंगे, कैसे आप उसमें भाग लेंगे और उससे आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नीचे दिए लिंक पर जाकर पूरी डिटेल लीजिएगा। अगर सही लगे तो रजिस्टर कीजिएगा, सो दैट मैं आपको मंडे को लाइव मिलूं और आपकी ट्रेनिंग शुरू करूं, सो दैट आप अपने माइंड को, अपने चक्रों को, अपने बॉडी को पूरी तरह से हील कर सके और एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल जी सके। सो मैं आपको वहां मंडे को मिलता हूं अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, और मैं बाकी लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।